दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्लाइट में एयर होस्टेस सिर्फ महिलाएं ही क्यों होती है, और एक ऐसा समुदाय जो शादी करने के बाद टॉयलेट में नहीं जा सकता। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। मैं सौरभ भार्गव, आप देख रहे हैं फैक्ट ऑन हिंदी। दोस्तों, YouTube एनालिटिक्स हमें बताता है कि हमारे वीडियोस को देखने वाले सिर्फ 2% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और 98% लोग वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ही कर लिया करें। खैर, बढ़ते हैं अपने फैक्ट को लेकर। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा बल्ब जो 1-2 साल नहीं बल्कि 120 साल से लगातार जल रहा है, ये बल्ब आज तक फ्यूज नहीं हुआ। कैलिफोर्निया के लिवरमोर शहर में दमकल केंद्र में लगे इस अजीबे बल्ब को सेंटेनियल नाम से जाना जाता है। इस बल्ब को भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने बनाया था, और इसे साल 1901 में पहली बार जला गया था। तब से लेकर आज तक यह बल्ब जल ही रहा है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, वैसे जींस से बने पैंट को देखकर मन में एक सवाल ये भी उठता है कि इसके सामने वाली जेब में एक छोटी सी जेब क्यों बनी होती है। तो हम आपको बता दें कि जींस का आविष्कार खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिए किया गया था, और उस दौरान पॉकेट घड़ी का चलन कम था। ऐसे में मजदूर घड़ी को इस छोटी पॉकेट में रखते थे ताकि घड़ी टूटे नहीं, और धीरे धीरे ये छोटी पॉकेट जींस का अहम हिस्सा बन गया। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कलकत्ता अमेरिका में भी यूएसए 1810 में बेस्ट यूनियन के रूप में सामने आया था। विलियम फॉक्स, जिन्होंने यहाँ पहली बार ईंट का मकान बनवाया था, उनके नाम पर फॉक्स टाउन नाम पड़ा। कई नाम बदलने के बाद आखिरकार भारत के कलकत्ता पर इसका नाम रखा गया। अमेरिका में ही 1838 में कलकत्ता नाम से पोस्ट ऑफिस भी खुला था, जो 1913 तक चल रहा था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, इंडोनेशिया में जो जनजातियां रहती हैं, वह आज भी विचित्र रिवाजों को मानती हैं। दानी जनजाति में जब भी किसी परिवार की मृत्यु होती है, तो परंपरा अनुसार यहां की महिलाओं को अपनी उंगली का थोड़ा बहुत हिस्सा काटना होता है। जनजाति के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से मृत आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। हालांकि इस रिवाज को अब प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन जनजाति के बुजुर्ग अभी भी इसका पालन करते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, यदि आप मिस्र की यात्रा कर रहे हैं और वहां खाना खाने के लिए किसी रेस्तरां में जाते हैं, तो आपको बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि यदि आपने नमक कम होने पर यदि किसी से नमक मांग लिया, तो इसे अपमान माना जाएगा, और यह रिवाज मिस्र में बहुत लंबे समय से चला रहा है। इसलिए वहां रहने वाले लोग कभी भी एक दूसरे से नमक कम होने पर भी नमक नहीं मांगते। इसलिए बेहतर है कि आप अपने साथ थोड़ा नमक खुद से ही ले जाएं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैक्सीन वर्क कैसे करती है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल, सबसे पहले वायरस के जेनेटिक कोड को पता लगाया जाता है कि कोशिकाओं से क्या विकसित होगा। इसके बाद उसे लिपिड में कोड किया जाता है, जिससे कि वह शरीर की कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश कर सके। वैक्सीन कोशिकाओं में एंट्री करती है और उन्हें कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन पैदा करने के लिए प्रेरित करती है। यह रोग प्रतिरोधी प्रणाली को एंटीबॉडी पैदा करने और टी सेल को एक्टिव करने के लिए संकेत देती है, जिससे संक्रमित कोशिकाओं को खत्म किया जा सके। इस तरह मरीज कोरोना वायरस से लड़ता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एयरक्राफ्ट जब फ्लाइंग करता है, तो उसके पीछे एक सफेद लकीर क्यों बनती है? एक रिपोर्ट के अनुसार आसमान में बनने वाली इस सफेद लकीर को कंट्रोल्स कहते हैं। कंट्रोल्स भी बादल ही होते हैं, पर वो आम बादलों की तरह नहीं होते। ये हवाई जहाज या रॉकेट से बनते हैं और काफी ऊंचाई पर ही बनते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने कोका कोला का कलर ब्राउन देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोका कोला में कलर न मिलाया जाए, तो ये हरे कलर का होती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने फ्लाइट में एयर होस्टेस महिलाओं को ही देखा होगा। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका कारण खूबसूरती है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि कई लोग पुरुषों की बजाय महिलाओं की बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, और सुनते ही नहीं बल्कि उनकी बातों पर अमल भी करते हैं। फ्लाइट में सेफ्टी गाइडलाइन और जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होता है, इसलिए फ्लाइट में ज्यादातर एयर होस्टेस ही इन सब बातों का ऐलान करती हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, मलेशिया में विवाह को लेकर एक बहुत ही अजीबो रिवाज है। यहां रहने वाला तिनोंग जनजात समुदाय इस परंपरा का पालन करता है। जिन दो लोगों का विवाह होता है, विवाह के अगले 3 दिन तक जैसे नहाना, टॉयलेट एवं अन्य कार्यों के लिए बाथरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह लोग बाथरूम को अच्छी जगह नहीं मानते हैं, इसलिए नए दंपत्ति के जीवन में सुख शांति और प्रेम बना रहे, इसलिए उन्हें 3 दिन तक बाथरूम नहीं जाने देते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट अच्छा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल फैक्ट इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।